है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू एम टेक वायरल। सबसे पहले और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अभी मेरे पास जो डेटा है बहुत स्मॉल डेटा है, तो आपके पास बहुत ही मिलियंस में डेटा हो सकता है, बहुत बड़ा डेटा हो सकता है और काफ़ी रोज और कॉलम्स हो सकते हैं उसके अंदर। तो लेट्स से मैं आपको सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ कि क्या सिचुएशन होगी। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, जूम करा। अब आप देख सकते हो काफ़ी जूम हो गया। मैं यहाँ से राइट पर जाता हूँ तो यहाँ मुझे डेटा दिख रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है ये किस चीज़ का डेटा है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ 2.40 ये वैल्यू है सेल जो मैंने सिलेक्ट किया, पर मुझे नहीं पता चला लेफ्ट में मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि 2.40 का मतलब क्या है। ये मुझे पता चल रहा है कि अप्रैल की वैल्यू है, लेकिन किस चीज़ की वैल्यू। तो मैं वापस आऊँगा ऐसे देखने की दिल्ली की वैल्यू, अच्छा फिर मैं इधर चला गया कहीं, फिर मैंने 6.40, अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है किसकी वैल्यू है, फिर मैं वापस आऊँगा फिर बैंगलोर की। तो ये तो बहुत छोटा डेटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा डेटा होता तो हम क्या करते। इसी तरीके से मैं अगर ऊपर चला जाता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यार ये बैंगलोर का टोटल है 4.70, बट क्या बैंगलोर का कौन सा टोटल ही, 1.60 भी तो बैंगलोर का ही है। लेकिन फिर मैं ऊपर जाऊँगा तो देखूँगा अच्छा ये जनवरी का है, ये फरवरी का है। सो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें ये व्यूज़ हैं फ्रीज़ करने होंगे। तो आप यहाँ पर व्यू पर अगर सिलेक्ट करोगे, ये व्यू सिलेक्ट करोगे, थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ, तो व्यू पे सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रीज पेंस के तीन ऑप्शन है। एक तो फ्रीज पेंस है, एक फ्रीज टॉप रो और एक फ्रीज फर्स्ट कॉलम। सो फिलहाल मैं फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करता हूँ, बिकॉज टॉप रो पे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझे टाइटल नहीं देखना है फिलहाल। सो जैसे ही मैंने फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करा, मैं इसको थोड़ा जूम फिर दोबारा करता हूँ, तो जैसे ही मैं इधर जाता हूँ तो देख सकते हो आप जब जब मैं किधर भी चला जाऊँ लेकिन मेरे पास फर्स्ट कॉलम हमेशा रहेगा। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर दूँ तो ये मैं अगर मार्च में जून में चला गया, जून का डेटा देख रहा हूँ 2.30, तो मुझे पता चल रहा है दिल्ली का डेटा है और ये भी पता चल रहा है जून का है। पर मैं अगर इसको अब ऐसे करूँ स्क्रॉल तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसको फिक्स करेंगे अब। तो वापस से इस व्यू को थोड़ा सा स्टैंडर्ड करते हैं, वापस ऐसे आते हैं और यहाँ पर आप देखते हो अनफ्रीज पेंस का ऑप्शन आ रहा है, तो अनफ्रीज कर देते हैं। अब मुझे क्या चाहिए बेसिकली, मैं आता हूँ B5 पे आया, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए मुझे इससे ऊपर का जो पार्ट है वो फ्रीज करना है और इसके जो नीचे का पार्ट है लेफ्ट में, यानी जो कॉलम है और रो दोनों फ्रीज करने हैं मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके फ्रीज पेंस पे सिलेक्ट करूँगा। तो अब देखते हो ये पार्ट जो है इसने फ्रीज कर दिया है। कैसे किया है मैं दिखा देता हूँ, यानी इसके ऊपर का पार्ट और इसके लेफ्ट का पार्ट, ये दोनों चीज़ फ्रीज करी है इसने। सो मैं फिर जूम करूँगा इसको थोड़ा सा, अब मैं जाता हूँ ऊपर तो देख सकते हो आप 14.50 है जनवरी का टोटल है। मैं ऐसा जाता हूँ तो भी आप देख सकते हो कि मेरे पास सब कुछ है, तो दोनों तरफ से फ्रीज़ हो गया है और मैं अपने डेटा को एक बेहतर तरीके से देख पा रहा हूँ। अगर आप देखें तो बिल्कुल सही है, और मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ऐसे तो ये ऐसे भी सही चल रहा है, ये ऐसे भी सही चल रहा है, यानी जनवरी फरवरी यहाँ मेंटेन है और ऐसे स्क्रॉल करने पर दिल्ली मुंबई मेंटेन है। तो इस तरीके से आप फ्रीज़ कर सकते हो और अपने व्यू को एक बेहतर तरीके से देख सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।